गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ हरिओम मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा, राजस्थान। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम मॉस वाले लॉजिक, जो मेटल सेमीकंडक्टर, जो आपके जो ट्रांजिस्टर होता है BJT, इसमें मॉसफेट होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्टर ट्रांजिस्टर, तो मॉसफेट है, तो जो मॉस बोलते हैं उस मॉस के माध्यम से हम यहाँ पे मतलब उसके परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके माध्यम से हम गेट बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एन मॉस को हम यूज करते हैं। हालांकि हम यहाँ पी मॉस भी यूज कर सकते हैं, एन मॉस भी यूज कर सकते हैं, किसी के माध्यम से हम बना सकते हैं, लेकिन एन मॉस होता है उसकी थोड़ी एफिशिएंसी होती है, वो पी मॉस की तुलना में ज़्यादा होती है। क्यों होती है वो तो आपको सबको पता है, जो म्यू एन होता है, जो मोबिल म्यू एन होता है, उसकी वो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी म्यू एन आपकी होल की मोबिलिटी से ज़्यादा होती है, और हम इसको ज़्यादा एप्लीकेशन मतलब जो एन चैनल होता है उसको ही हम ज़्यादा यूज लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं एन चैनल के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं मॉसफेट के बारे में बता देता हूँ। जो एन चैनल मॉसफेट होता है उसको मैं तीन टाइप से डिनोट कर सकता हूँ, इस टाइप से, अगेन इन दिस टाइप, और थर्ड आपका इस टाइप से, ठीक है। ये आपके हो गया मॉसफेट, एन टाइप का मॉसफेट, एन टाइप का मॉसफेट। तो इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, एक तो होता है गेट, सेकंड होता है ड्रेन, और थर्ड होता है आपका सोर्स, और एक इसमें होती है सबस्ट्रेट। तो इनके बीच में तो हमें क्या है कि इसको में जो डिनोट करते हैं इसमें हमें सबस्ट्रेट दिखाई नहीं देती, हालांकि टर्मिनल तीन ही होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स, सबस्ट्रेट में अलग ही रहती है बस, लेकिन उसको ऐसा मतलब उसको ऐसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन इसमें यदि मैं दिखाना चाहूँ तो उसको हम इस टाइप से दिखाएंगे, उसको डिसकंटिन्यूटी में लिखेंगे, गेट को, ड्रेन को, सोर्स को अलग अलग, और उसमें सबस्ट्रेट को हम बीच में लगा देंगे, ठीक है। और एक होता है आपका इसमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टाइप का बना दिया, तो ये आपका हो गया मतलब एन मॉस टाइप का। अब इसी का यदि मैं पी मॉस निकालूँ तो पी मॉस भी इसका बन सकता है। पी मॉस में आपको बस ये है कि उसका एक ही दे रखा है यहाँ पे, तो ये एक दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो, ये पी मॉस हो गया, ठीक है। अब मैं चाहूँ कि पी मॉस को मैं सबस्ट्रेट से बनाऊँ, तो इसमें जो सबस्ट्रेट में जो एरो का निशान इसमें अंदर की साइड है वो बाहर की साइड हो जाएगा। इसमें यदि मैं इसे बनाऊँ तो इसमें जो सोर्स की तरफ जो एरो का निशान आ रहा है वो अंदर की तरफ चल जाएगा। तो ये पी मॉस, पी चैनल मॉस हो गया, और ये हो गया एन चैनल मॉस। अब जो एन चैनल मॉस होता है वो एन चैनल मॉस आपका काम करता है जब इसका लॉजिक जीरो होगा तो ये आपका होगा ऑफ स्टेज में, और जब ये लॉजिक वन होगा तो ये आपका होगा आपका ऑन स्टेज में, ठीक है। अब चूंकि एन चैनल और पी चैनल ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसका मतलब अपोजिट होते हैं, कि मतलब जब आपका एन चैनल ऑफ होता है उस स्टेज पर आपका पी चैनल होता है वो ऑन होता है, जब आपका एन चैनल ऑन होता है तो ये आपका पी चैनल आपका ऑफ होता है, ठीक है। सिंस FET इज ए वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर, अब मैंने एक चीज़ बताई कि FET होता है जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर अलग दो टाइप से बनता है, एक तो JFET और एक MOSFET, ठीक है। तो यहाँ MOS की बात करी जा रही है, तो इसमें क्या होता है, ये वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करता है। हैंस इन MOS सर्किट इन प्लेस ऑफ द रजिस्टर वी यूज MOSFET, ठीक है। तो ये वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह यूज करता है, और मॉस सर्किट इज इन प्लेस ऑफ द रजिस्टर वी यूज MOSFET, तो इसमें बोल रहे हैं जहाँ जहाँ हमें रजिस्टर की जरूरत पड़े तो वहाँ हम उसको मॉस से बना सकते हैं। तो इसका जो रजिस्टर इक्विवेलेंट होता है वो रजिस्टर इक्विवेलेंट होता है आपका जी एन चैनल मॉस के लिए, ये रजिस्टर इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। इस आर को मैं इससे डिनोट कर सकता हूँ, यदि मैं मॉस के माध्यम से आपके कोई गेट रिलाइज करना चाहते हैं तो आपने जैसे पढ़ा कि नॉट गेट होता है, तो नॉट गेट में क्या होता है, जब भी हम उसमें इनपुट देते हैं तो आउटपुट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है इनपुट। तो इसमें मतलब जब हमने उसमें इनपुट दिया जीरो तो आउटपुट क्या है आपका वन, वन दिया इनपुट तो आउटपुट क्या है आपका जीरो। इस टाइप से आपका जो ये एन मोस्ट, जो एन मोस्ट क्या नाम है, जो इसका आउटपुट है वो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है, इस टाइप से इनपुट को कॉम्प्लीमेंट कर देता है। अब इसके माध्यम से यदि मैं इसमें गेट बनाऊं, तो जैसे ए गेट बनाया, ठीक है, ये गेट बनाया, तो ये जो मैंने स्विच बनाया इस स्विच को मैं डिनोट करूंगा इसके माध्यम से। तो आपने ऊपर पढ़ा था जब जी की वैल्यू जीरो है तो ये आपका ऑफ होगा, तो जब ए की वैल्यू जीरो है तो ये आपका क्या होगा, T2 आपका ऑफ हो जाएगा, और ऑफ हो जाएगा तो मतलब ये है कि जो VDD जो वोल्टेज लग रहा है
वो वोल्टेज पूरा की पूरा वाई के क्रॉस हो जाएगा और वाई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम मैक्सिमम को मैं डिनोट किससे करता हूँ, डिजिटल में वन से डिनोट करता हूँ, तो ये मेरा आ गया वन। इसी टाइप से यदि मैं ए की वैल्यू जैसे ही वन होगी, तो ये ए की वैल्यू वन होते ही ये आपका क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये आपका वन होते ही ये ऑन हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, तो मतलब ग्राउंड आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी, मतलब मिनिमम बचेगी। मिनिमम को मैं डिनोट कर रहा हूँ जीरो से। इस टाइप से मैंने क्या कर दिया, एन मॉस नेट गेट है, नॉट गेट है बना दिया। अब मैं इसका और एक्सटेंशन करता हूँ, इससे मैं क्यों नॉट गेट, क्या मैं और भी गेट बना सकता हूँ, तो मैं और गेट बना, मतलब इसके माध्यम से मैं नैंड गेट बना रहा हूँ। तो नैंड गेट में ये इसका रजिस्टर इक्विवेलेंट लिख दिया, टी वन जो वाला मैच है, T2, T3, इस T2 पे मैंने A अप्लाई किया और T3 पे मैंने B इनपुट अप्लाई किया, तो A और B की वैल्यू जब 0-0 है, तो T2 और T3 क्या होंगे, दोनों ऑफ स्टेज में रहेंगे, तो Y बराबर क्या होगा, 1 रहेगा, क्योंकि जब दोनों ही ऑफ स्टेज में होंगे तो जो VDD है वो Y के अक्रॉस आ जाएगा। और जब A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1, तो आपका A वाला जो ट्रांजिस्टर है वो आपका ऑफ रहेगा और बी वाला आपका ऑन रहेगा, तो इसमें वाई बराबर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। जब ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू जीरो है, तो ए T2 बराबर ऑन और T3 बराबर, तो इसको क्या लिख दोगे, वाई बराबर वन आ जाएगा, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट है ना ग्राउंड से, इसमें मैक्सिमम इसलिए। और जब दोनों की वैल्यू 1-1 है, तो इसका मतलब ये होगा T2 और T3 दोनों एक्टिव, मतलब दोनों काम कर रहे हैं, दोनों ऑन स्टेज में है, तो ये जो ग्राउंड वाला जो टर्मिनल वो सीधा वाई से कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही वाई से कनेक्ट हो जाएगा तो इसका मिनिमम वोल्टेज मिलेगा और उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ जीरो से। तो ये जो आपको ट्रुथ टेबल लिखी है, ए बी और वाई और T2 और T3 वाली, तो ये आपको नैंड गेट वाली जो आपने पिछले वीडियो में देखी होगी, पहले जो मैंने गेट के वीडियो बनाए थे उनमें भी आप देख लेना और वेरीफाई कर लेना, तो ये जो ट्रुथ टेबल है वो नैंड गेट की आती है। नैंड गेट में क्या होता है, नैंड गेट में होता है दोनों का मल्टीप्लीकेशन का कॉम्प्लीमेंट, तो ए और बी का मल्टीप्लाई फिर उनका कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 0-0 पर 0 और इसका कॉम्प्लीमेंट 1, 0-1 पर 0 मल्टीप्लीकेशन और इसका कॉम्प्लीमेंट 1, ऐसे 1-1 है तो इसका इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 और इसका कॉम्प्लीमेंट 0, ठीक है। इस टाइप से जो एन मॉस एंड गेट है, इस एन मॉस एंड गेट को हम बनाते हैं, ठीक है। अतः इसी प्रकार से मैं एन मॉस नॉर गेट, तो एन मॉस नॉर गेट है, तो एन मॉस नॉर गेट है, तो एन मॉस नॉर गेट कैसे बनाऊंगा, ये तो मैंने रजिस्टर इक्विवेलेंट लिख दिया, दिस इज द रजिस्टर इक्विवेलेंट एन मॉस, ठीक है, आई समझ में। इसका आउटपुट ले रहा हूं मैं यहां पे। अब ये स्विच ए है और ये बी है, ये दो स्विच बनाने हैं, मोटी मोटी बात ये, तो दो स्विच मुझे किसके साथ बना रहा हूं मैं, एन मॉस की से, ये मैंने एन मॉस की साइड से दो स्विच बना लिए। जब ए की वैल्यू जीरो रहेगी, ए की वैल्यू जीरो रहेगी, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद थोड़ा देख लेना, मतलब आपको सब समझ में जाएगा, ऐसे इतने फैक्चुअल डेटा आते भी नहीं, रियल बात ये। बस वो ज़्यादा ये पूछेंगे कि आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसमें बोलेंगे कि एन मॉस की सहायता से नॉर गेट बनाएं, बस खत्म, उसमें आपको बस ये दो बात लिखनी है, ये एक सर्किट ये बना देना है और एक ये ट्रुथ टेबल है, ये जो ट्रुथ टेबल लिख रही है ये आपने लिख दी, और फिर इसके नीचे एक इक्वेशन लिख देना, चूँकि नॉर का जो एक्सप्रेशन होता है वो वाई बराबर ए प्लस बी का बार होता है, तो वही एक्सप्रेशन इस ट्रुथ टेबल के द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस तीन लाइन लिख दोगे आपके फुल में से फुल नंबर आएंगे, एक ये डायग्राम, दूसरा ट्रुथ टेबल, थर्ड उसका एक्सप्रेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपके ये क्या लॉजिक फैमिली चलती है, तो लॉजिक फैमिली जैसे चलती है, तो लॉजिक फैमिली के अंदर अपन क्या है उसकी करेक्टरिस्टिक देखते हैं, और करेक्टरिस्टिक में कौन कौन से देखते हैं, कि उसका प्रोपगेशन डिले क्या है, उसका पावर डिसिपेशन क्या है, उसका फिगर ऑफ मेरिट क्या है, उसका फैन आउट क्या है, उसका नॉइज मार्जिन क्या है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक है, ये करेक्टरिस्टिक जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखे हैं, ये कि ये जो करेक्टरिस्टिक है इनके बारे में बार बार इसमें लिख दिया जाता है, ये फैक्चुअल डेटा है। और ये जो TPD की वैल्यू है 250 नैनोसेकंड, ये इस वाले सर्किट के लिए हो सकती है, मान लो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ने 500 कर दी, ये जो ट्रांजिस्टर ये कुछ मैंने अलग एफिशिएंसी के लिए है, तो इनकी वैल्यू चेंज होगी, लेकिन ये चेंज होते हुए ये ऐसा नहीं कि बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी, ये चेंज इसमें प्लस माइनस 10% 30-20% हो सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब मैं ये यहाँ पे इसकी ट्रुथ टेबल की बात चल रही थी, तो इसमें क्या हुआ, मैंने ए स्विच को दिखाने के लिए ये ट्रांजिस्टर लगा दिया बी एम मॉस वाला, और ये एन मॉस एन चैनल मॉस वाला, और ये बी को दिखाने के लिए मैंने एन चैनल वाला मॉस लगा दिया।
जब ए की वैल्यू जीरो है और बी की वैल्यू जीरो है, ए की वैल्यू जीरो बी की वैल्यू जीरो, इसका मतलब ये हो कि दोनों की दोनों जो एन मॉस एन चैनल मॉस एन चैनल युक्त मॉस है वो आपके ऑफ स्टेज में रहेंगे। जैसे ये ऑफ स्टेज में रहेंगे तो ये वीडीडी है, ये वीडीडी ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है, तो ये वाई के अक्रॉस आपका आ जाएगा। तो इसको मैंने बोल दिया। अब जब जैसे ए बराबर जीरो और वाई बी बराबर वन, तो ए बराबर जीरो मतलब ए बराबर ऑफ और बी बराबर ऑन, तो ए बराबर यदि ये ऑफ, ए आपका क्या है ऑफ है और बी आपका ऑन है। हाँ, ए आपका ऑफ है और बी आपका ऑन है, तो ए ऑफ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और बी ऑन है तो बी ऑन मतलब ग्राउंड टर्मिनल को मतलब जीरो वोल्टेज वो वाई के क्रॉस लगा देगा। जैसे ही वाई के क्रॉस जीरो वोल्टेज होगा तो मतलब वाई लो स्टेज पे होगा, तो वाई लो स्टेज को मैं डिनोट कर रहा हूँ जीरो से, ठीक है। इसी प्रकार से जब ए की वैल्यू वन है और बी की वैल्यू जीरो है, तो बी तो आपका डिस्कनेक्ट हो गया और ए आपका वन हो गया, ए आपको वन हो गया, तो इसको आप वाई बराबर इसको क्या लिख दोगे यहाँ पे जीरो, ठीक है। ये सीधा ग्राउंड है, ग्राउंड से जीरो वाई पे चल जाएगा। जब दोनों ही वन वन है तो इसका मतलब ग्राउंड वाले टर्मिनल वो वाई क्रॉस हो जाएंगे और जीरो होगा, मतलब लो स्टेज पर रहेंगे, तो इस तरह वाई बराबर जीरो आएगा। अब ये जो ट्रुथ टेबल निकली है, ये ट्रुथ टेबल आपने जो नॉर गेट पढ़ा होगा, पिछले आप वीडियो देखो, उनमें नोट्स बना रहे होंगे, उन नोट्सों को निकालो और नॉर गेट के ट्रुथ टेबल देखो। उस नॉर गेट के ट्रुथ टेबल में हमने देखा था कि उसका जो एक्सप्रेशन आता है वाई बराबर ए प्लस बी का बार, तो ए प्लस बी का बार, ए प्लस जो बी का बार लिख रहा हूं मैं, उस ए प्लस बी के बार को बी के बार होगी वही एक्सप्रेशन इस ट्रुथ टेबल से आप निकाल दो। ए प्लस बी का बार मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी, पहले ए प्लस बी करेंगे फिर उनका आप कॉम्प्लीमेंट कर दो, जीरो प्लस जीरो जीरो और इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा क्या आएगा वन, आ गया समझ में, जीरो प्लस वन वन इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या आएगा जीरो, वन प्लस जीरो इसका ये बराबर वन बराबर क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट जीरो, वन प्लस वन का मैं एडिशन कर रहा हूँ, लॉजिकल ये एंड गेट वाला एडिशन है, ठीक है। तो इसमें वन प्लस वन बराबर वन, इसका कॉम्प्लीमेंट जीरो। तो ये जो ट्रुथ टेबल है ये आपकी नॉर वाले जो एक्सप्रेशन है वाई बराबर ए प्लस बी का बार, उस वाले जो एक्सप्रेशन है उसको ये जस्टिफाई कर रही है। इस प्रकार से हमने नॉट इसके एनमोस के माध्यम से एनमोस नॉट गेट देखा, नॉर गेट देखा और नॉर गेट देखा। इसी प्रकार से हम पी मॉस के माध्यम से भी हम उसको कर सकते हैं। बस उसमें ये ध्यान रखना है कि जब उसमें जीरो, जब इसमें मैं गेट पर जीरो लगाऊंगा तो ये आपका ऑन स्टेज में रहेगा और बाकी ये ऑफ स्टेज में रहेगा, इसका जस्ट उल्टा है, बस ये ध्यान रखना, एन चैनल का जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इससे बाकी आप और गेट निकाल सकते हो, एक्सोर भी निकाल सकते हो, कोई भी गेट बना सकते हो। मैंने इसमें बेसिक गेट नैंड और नॉर के बारे में पहले आपको बताना चाह, तो उसमें पहले मैंने नॉट के बारे में बताया और इसके बाद में मैंने आपको नैंड और नॉट, अब चूंकि ये दोनों बेसिक है तो हम कोई भी गेट रिलाइज कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये जो लॉजिक गेट फैमिली है तो वो वाला जो चैप्टर वो भी समाप्त हुआ इसी के साथ में, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि ये इस चैप्टर से क्वेश्चन पक्का आएंगे, 100% ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में करीबन 10 नंबर का क्वेश्चन मिनिमम आएगा, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखें, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन आता है और हर बार इसको टीचर पढ़ाते नहीं है कुछ, और पढ़ाते भी होंगे तो मैं टीचरों के बारे में क्या बोलूं, लेकिन ऐसा है कि इसको ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक को बच्चे छोड़ के जाते हैं और इसमें नंबर सीधे आते हैं। इसमें केवल आपको सर्किट डायग्राम बनाना है और उसके बाद बताना है ये नैंड वाला है नॉर वाला है, उसकी ट्रुथ टेबल लिख लेनी है और मोटी मोटी बात आपको इसमें लिख लेनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये हमारा जो लॉजिक फैमिली है, ये लॉजिक फैमिली वाला जो एन मॉस वाला है, ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। पिछले लेक्चर में मैंने ECL भी आपको कंप्लीट किया था, ठीक है। थैंक यू।